चौबीस घंटा राज्य गंजाम जिलार सानुखमंडी ठारे सर्वाधिक वर्षा 84 मिलीमीटर रेकर्ड कराकि बैशाखी जनित वर्षा ताछा आहरी एक स्थान में गंजाम जिले में प्रबल वर्षा रेकर्ड करापुट में पाखापाखि 62 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करापुट जिले में किसी स्थान में आम विक्षिप्त वर्षा रेकर्ड हो दक्षिण ओडिशार जो प्रक्रिया रही कालबैशाखी जनित प्रक्रिया आगामी 4-5 दिन पर्यंत लगे कारण आम जो गोटे रोचे निम्नचाप रेखा विंडिस्कंटिन्यूटी जहाँ दक्षिण छत्तीसगढ़ बाहरी आम जो रोचे आरब सगर पर्यटन व्यापी ता सहित आम गोटे गुरुचाप बल ओडिशा उपकूल तार आखपाख अंचल सक्रिय होती जहाँ प्रभाव में पर्याप्त मात्रा जलीय बाष्प ओडिशा मध्य प्रवेश कर दुई प्रकार पापागर नियामक रही प्रभाव आगामी 4-5 दिन पर्यंत यही बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा रही है। आगामी 24 घंटापी जब देखा गंजाम कंधमाल रायगढ़ कलाहांडी ए सब जिले में ता सहित मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ यह सब जिले में आम बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा पवन और कुआपथर वर्षा संभावना थी ऑरेंज वार्निंग जारी कर पार्श्वर्ती उपकूलवर्ती जिला और सहित आभ्यंतरण जिलागुड़िक बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा 30-40 किलोमीटर पर्यंत रहा संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर प्रक्रिया रही आगामी जो 30 तारीख अर्थात आसंता का ये प्रक्रिया आहुरी अधिक सक्रिय हम आभ्यंतर ओडिशार यार प्रभाव यथेष अधिक रही अनुमान बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा पवन बेग 40-50 किलोमीटर रोक और कुआपथर वर्षा केतक जिले में रहा संभावना रही प्रबल वर्षार मात्रा पाखापाखि 7-11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा किसी जिले में रहा संभावना थी किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पार्श्वर्त जिले गुड़िक रोचे से पवन बेग 30-40 किलोमीटर रहा संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर प्रक्रिया आहरी परवर्त समय लगि रहा जेहेतु आगामी 4-5 दिन पर्यंत कालबैशाखी जनित प्रक्रिया लगि रापम्रा विशेष परिवर्तन होवार संभावना नहीं बर्तमान देखा प्राय अंचल तापम्रा स्वाभाविक तुलन में जथेष कम रही है। ये कालबैशाखी प्रक्रिया रहा आज और आसंता का आहरी तापम्रा तौक खसवर संभावना अर्थात ये तापम्रा विशेष परिवर्तन होना।